झारखंड में हूँ आपके साथ चावला आज पूछे ना उत्तराखंड की आखिरकार कांग्रेस में टिकटों का इंतजार कब खत्म होगा। जी हाँ, कांग्रेस में टिकटों को लेकर टकटकी लगाए दिग्गज इस वक्त सिर्फ दिल्ली देख रहे हैं, दिल्ली आला कमान की तरफ देख रहे हैं कि आखिरकार टिकटों का ऐलान कब होगा। बीजेपी ने अपनी पहली एक मुश्त सूची जारी करके लगभग 59 नाम हैं उस सूची में, 11 बाकी हैं और 11 भी लगभग तैयार हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस में अभी भी टिकटों का इंतजार हो रहा है। कांग्रेस को इस बात का अंदाजा था कि बीजेपी में टिकटों के ऐलान के बाद घमासान होगा, टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में फूट होगी और इसका फायदा कांग्रेस उठाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ हरक सिंह रावत को छोड़ के अब ओम गोपाल रावत का नाम भी है जो कि टिहरी से, ज्यादा फूट हो नहीं पाई। कांग्रेस डैमेज का इंतजार कर रही थी और बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर रही है। अब ऐसे में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के घर के भीतर किस तरह से टिकटों को लेकर टेंशन है, आज उसी का जिक्र करेंगे। और इनसाइड स्टोरी क्या है टिकटों को लेकर, मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जो चेहरे, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे विनोद उनियाल जो कि बीजेपी का चेहरा है, अनिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, राजीव चौधरी नमस्कार इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। दिल्ली की दौड़ इस वक्त कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है कि इस बार उनका नंबर आएगा। तमाम चेहरे ऐसे हैं जिन्हें टिकट का प्रसाद मिलने का अनुमान है। दिल्ली में ठंड बढ़ गई है और उत्तराखंड में भी, लेकिन सियासी गरमाइश इस वक्त महसूस हो रही है उत्तराखंड के सियासी गलियारों में। तो राजीव चौधरी जी, शुरुआत आप ही से करते हैं जी। कब खत्म हो रहा है इंतजार टिकटों को लेकर टकटकी और टेंशन दून से लेकर दिल्ली तक? अब तो जिनका इंतजार था, जिन्होंने उत्तराखंडियत को तार तार किया, जिन्होंने आपकी पीठ में छुरा घोंपा, जिन्होंने उत्तराखंडियत को रुलाया, वो आज फिर आपके साथ हो गए, अब किस बात का इंतजार? राजीव चौधरी जी, जी अगर संभव हो पाए तो नमस्कार वक्त जी अगर संभव हो पाए तो गाड़ी रोक के अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जी जी बस मैं एक मिनट में गाड़ी रोक रहा हूं जी, अपनी बात रखिए। राजीव चौधरी जी क्या एक बार और दो, बीच में आपके नेटवर्क चला गया था, क्या दोबारा दोहरा देंगे बात को, आप क्या करेंगे? सर अगर संभव हो तो आप अपने कार्यक्रम में हिस्सा अगर आप लेना चाहते हैं तो संभव हो तो आप कार्यक्रम का हिस्सा ले सकते हैं, अन्यथा अगर आपकी मर्जी आपका विवेक। इस वक्त लाइव नहीं, नहीं, मैं रोक रहा हूं गाड़ी। जी जी राजीव चौधरी जी नमस्कार, मेरा यह कहना है जी कि टिकटों को लेकर इतना टेंशन क्यों है कांग्रेस में, कब खत्म होगा इंतजार? इंतजार आज खत्म हो जाएगा कुछ ही समय के पश्चात, एक सूची हमारी जारी होने वाली है और लगभग 60 के आसपास हम नाम उसमें सूची में जारी कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है पार्टी की, क्यों इस बार एक बीजेपी के खिलाफ जो प्रदेश के अंदर हवा चल रही है, जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, जो महंगाई के मुद्दे हैं, उसको लेकर हमारे यहाँ टिकट मांगने वालों की सूची बहुत लंबी हो गई है और उसमें एक जिताऊ चेहरा ढूंढना पार्टी हाईकमान को थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो रही है। इतने बड़े बड़े जिताऊ चेहरे आ तो गए आपके पास जिन्होंने आपकी पीठ में खंजर घोंपा था जी, जिन्होंने उत्तराखंडियत को तार तार किया था जी, जिन्होंने बेवफाई की थी, आज तो आपके साथ ही आ गए, वो क्या दिक्कत है? जिताऊ है, जहां से चुनाव जीत जाएंगे वो, चुनाव लड़ाने की शर्त पे तिलक जी उनको शामिल नहीं किया गया है और हरक सिंह जी को, और उनसे स्पष्ट कहा गया कि आप संगठन में काम करिए, पार्टी को जिताइए। और उन्होंने कल ज्वाइनिंग के बाद उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस को जिताने के लिए पूरी मेहनत करूंगा। हरक सिंह रावत को आदेश दिया गया है कांग्रेस संगठन की तरफ से?
जी जब उनकी ज्वाइनिंग हुई है बाकायदा बाकायदा उन्होंने जो कदम उस समय उठाया था उससे जो उन्हें उत्तराखंड के लिए उन्होंने क्षमा मांगी। राजीव जी, उत्तराखंड की जनता उनको माफ करेगी या नहीं करेगी वो एक अलग विषय है, आपने कथनी और करनी में फर्क दिखा दिया। आप अपनी बात कंप्लीट करिए, आज मतलब जारी हो जाएगी सूची, आप ही कह रहे हैं। जी आज सूची जारी हो जाएगी, कुछ एक दो सीटें ऐसी हैं जहां अभी कुछ असमंजस और है, उसमें हम लोग 23-24 तक लगभग पूरी की पूरी डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन 60 के आसपास सूची हमारी अभी जारी होने वाली है, 1-1.5 घंटे के अंदर हो सकता है इसकी सूची की सूचनाएं मिल जाएगी। विनोद उनियाल जी, जी मैडम आपको क्या लगता है कांग्रेस के घर में टिकटों को लेकर टेंशन क्यों है? 11 तो आपके भी इंतजार कर रहे हैं, 11 अब तक 11, उनमें से कई ऐसे विधायक हैं, अभी एक विधायक मेरे साथ जुड़े थे लाइव, देशराज कणवाल जी, कह रहे मुझे नहीं तो मेरी पत्नी को टिकट दे दो, कह रहे अगर रानी साहिबा को टिकट दे सकते हो तो मुझे भी मेरी पत्नी को भी टिकट दे दो। विनोद मैडम 11 का इंतजार तो आपके यहाँ भी है। नमस्कार आप सबको। देखिए तिलक जी, हमारे यहाँ एक प्रक्रिया होती है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है और संगठन इतना मजबूत है कि बूथ स्तर से मंडल का अध्यक्ष बनेगा, मंडल के बाद जिले का बनेगा, जिले के बाद प्रदेश का बनेगा, प्रदेश के बाद राष्ट्र का बनेगा। हमारे यहाँ एक सिस्टम से सीढ़ी दर सीढ़ी हम लोग ऊपर चढ़ते हैं और हमारे यहाँ जैसे ही लिस्ट घोषित हुई है तो इस समय देखिए ये हर पार्टी का है कि वो किस तरह से अपनी उसकी एक परिपाटी होती है कि वो किस तरह से अपने उपयुक्त प्रत्याशी को मैदान में उतारती है, क्योंकि इस समय ये धर्म युद्ध है और भाजपा की जीत बिल्कुल निश्चित है। नहीं नहीं धर्म युद्ध मत लड़िए मैडम, मैडम मैडम धर्म युद्ध तो धर्म संसद में लड़ा जा रहा है ना, आप क्यों धर्म युद्ध लड़ रहे हैं? आप धर्म युद्ध मत लड़िए, आप कर्म युद्ध लड़िए, कर्म जो आपने 7 साल कर्म किए हैं ना उसका युद्ध लड़िए ना, जो कर्म आपने किए हैं। नहीं हमारा देखो हमारी सरकार ने इतने अच्छे काम तो किए हैं और उसके आधार पे हम वोट भी मांगेंगे और हमारे जो 59 जो हमारे कैंडिडेट प्रत्याशी बन गए हैं वो कहीं पर भी हमारा ऐसा वो नहीं है कि भाई किसी तरह का कोई झंझट हो या के, और जो 11 की लिस्ट है वो भी हमारे यहाँ लगभग तैयार है। तो इस तरह से कांग्रेस का संगठन जो है, कांग्रेस का संगठन तो है ही नहीं, आप अपना क्यों ऐसी शख्सियत का नाम लेते हैं जो दल बदलू हो, जिसने उत्तराखंड को, जिसने उत्तराखंड की जनता की भावनाओं को जूते की नोक पर रखा हो, है ना, जिसने जूते की नोक पर रखा हो वो आपके साथ भी रहे इनके साथ भी रहे, अब जनता को फैसला करने दीजिए, क्यों वक्त खराब करते हैं अपना? नहीं नहीं हम फैसला नहीं ले रहे, हम ये कह रहे हैं कि आपस में उनकी सहमति नहीं बनी, असमंजस की स्थिति रही। अच्छा ओके, राजीव चौधरी जी, ओके मैं अनिल सेठी जी के पास जाऊं। राजीव जी ये कह रही है मैडम कि आपकी जो टेंशन थी ना वो टेंशन आप भी बनी हुई है क्योंकि हरक सिंह रावत आ गए इसलिए टिकटों का गणित गड़बड़ा गया। चर्चा करना नहीं चाहता हूँ, पार्टी में नेताओं का आना और जाना रहता है, अब उन्होंने जो पहले 2016 की घटना थी उसके लिए उन्होंने क्षमा मांगी है और उन्होंने स्वीकार किया, हाथ जोड़ के, आप जानते हैं जिन्होंने क्षमा मांगनी होती है ना, जिनको पश्चाताप होता है वो मुख्यमंत्री के साथ बंद कमरे में फोटो खिंचवाते हंसते हुए, समझे सर? वो छोड़ दीजिए राजीव भाई, वो छोड़ दीजिए, आप मुद्दे पे आइए। वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की वजह से आपका टिकट का पूरा टाइम टेबल गड़बड़ा गया। नहीं नहीं एक व्यक्ति की वजह से हमारा टाइम टेबल ही गड़बड़ाया, एक्चुअल में क्या था कि पिछले 5 साल में जो ये डबल इंजन की सरकार है, जिसको सभी लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, और मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि उसका एक इंजन दिल्ली की तरफ है और एक देहरादून की तरफ है, ट्रेन उल्टी दिशाओं में खींच रहे दोनों इंजन, तो ये वहीं की वहीं थमी हुई है। और उत्तराखंड ने कोरोना काल में जो बेरोजगारी बढ़ी, हम दुनिया देश के सबसे शीर्ष राज्य बन गए बेरोजगारी दर में, उत्तराखंड के अंदर जो भ्रष्टाचार का लेन देन है, जो अवैध खनन का सिस्टम चल रहा है, उससे जो जनता अजीज आई है, आज उत्तराखंड की जनता कांग्रेस की तरफ एक अच्छे शासन के लिए देख रही है। किसी को भी टिकट दे देते, टिकट को लेकर टकराव क्यों हो रहा, टेंशन क्यों? टकराव नहीं है, टकराव नहीं है, जब ज्यादा लोग प्रत्याशी बन जाते हैं, ज्यादा लोगों की महत्वाकांक्षाएं अच्छा, आगे खड़ी हो जाती है बीच में, तो उसमें छांटने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। संगठन काम कर रहा है, संगठन काम कर रहा है। कार्यकर्ता और नेता में फर्क पता क्या होता है सर? कार्यकर्ता डोई वाला में काम कर रहा है, कार्यकर्ता सुनिएगा, जिन दिन विधानसभाओं का नाम ले रहा हूँ,
कार्यकर्ता लैंसडाउन में काम कर रहा है, कार्यकर्ता ने कोटद्वार में मेहनत की, अब सुनिएगा केदारनाथ में मेहनत की, है ना, चौबट्टा खाल में मेहनत की, ये वो कार्यकर्ता है जिन्होंने डंडा और झंडा उठाया, और अब जो नेता आकर डिमांड कर रहा है ना कि मुझे ये सीट दे दो, मुझे ये सीट दे दो, मुझे ये सीट दे दो, कार्यकर्ता वो होते हैं, नेता वो होते हैं जो आते हैं और डिमांड करते हैं। चावला जी, मैं इस पार्टी के कार्यकर्ता हूं, मैं भी इस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आप भी पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं। नेता नेता जो है ना वो आ गए और कहते हैं कि मुझे केदारनाथ से भी चाहिए, मुझे डोईवाला से भी चाहिए, मुझे लैंसडाउन से भी चाहिए, मुझे चौबट्टा खाल से भी चाहिए, ये चार टिकट चाहिए मुझे, मसूरी वाली पहली डील हो गई, छोड़िए अब उस बात को। अनिल सेठी जी, जी सर नमस्कार। नमस्कार, उनके यहां ये टेंशन थी कि भैया चार चार प्रत्याशी हैं, चार चार दावेदार हैं, उनमें से किसको टिकट दें। विनोद उनियाल जी कह रहे हैं कि हमारे यहां 10-10 चेहरे थे दावेदार, इसलिए हमने 59 की सूची जारी कर दी। आपके यहां तो 70 लड़वाए या ना लड़वाए इस बात की टेंशन थी। नहीं, बिल्कुल हमारे 70 कैंडिडेट चुनाव में लड़ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी ऐसी पहली पार्टी है जिसने सबसे पहले 55 सूची, दो तीन सूचियां जारी करी, 55 हमारे लगभग प्रत्याशी डिक्लेयर हो चुके हैं। जहां तक विनोद जी ने बात करी है, उनके यहाँ तो स्थिति है कि उनको प्रदेश कार्यालय में बाउंसर बैठाने पड़ रहे हैं। बीजेपी की तो ये स्थिति है कि बाउंसर बैठे हुए वहाँ, तीन तीन बाउंसर बैठा के प्रदेश कार्यालय में, अभी एक दो घंटे के बाद कांग्रेस कार्यालय में भी दिखाई देंगे आपको बाउंसर। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी तो अभी आ रही है, इनको दिक्कत कहाँ हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें आना पड़ा आपकी जरूरत नहीं है। आ रहे हैं 70 में से, मैडम रुकिए एक मिनट। हमें आना पड़ा आपकी 20 वर्षों से जो भाजपा और कांग्रेस ने इस प्रदेश का दोहन किया है बारी बारी, पहले 5 साल आप लूटो, फिर 5 साल हम लूटेंगे, तो हमें तो आना पड़ा ना, जनता को एक तीसरा विकल्प चाहिए था। दिल्ली में टीटीसी बसें खरीदी, ऐसे ही खरीदोगे उत्तराखंड में भी। विकास किया होता तो हमें आने की जरूरत नहीं पड़ती। आज जनता हमें हाथों हाथ ले रही है। और आपकी अगर बात करें तो अभी गोपाल सिंह रावत ने, जो आपके ओम गोपाल रावत है, उन्होंने कह दिया मैं कांग्रेस भी जा रहा हूँ, तो इसका मतलब पहले से उनके दरवाजे खुले हुए थे, पहले से बातचीत थी। और आपका उजाड़ू बंद आज फिर से कांग्रेस में आ गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो है ना, ये आपस में जो साठगांठ है, ये आज की नहीं है, ये काफी समय की है। जो पानी पी पी के हंसदाव जी कोसते थे कि उजाड़ू बंद, और आज वो उजाड़ू बंद का माला पहना के स्वागत कर रहे हैं। और जो हरक सिंह रावत बिना शर्त के नहीं आए हैं, अपनी बहु अनुकृति के लिए उन्होंने टिकट मांगा है लेस डाउन से। राजीव जी, टिकट की बात आप छोड़िए उस बात को। कोई नहीं, ये तो हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ टिकट मांगने का अधिकार सबको है, लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ दिल्ली में बैठ के तय नहीं हो जाता है, दिल्ली में बैठ के तय नहीं हो जाता है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। राजीव चौधरी जी, अभी भी दिल्ली में बैठ के तय कर रहे हो? नहीं नहीं, दिल्ली में बैठ के तय कर रहे, सबकी रिपोर्ट तैयार होकर आ गई है। सेठी जी, अभी इनसाइड स्टोरी आ रही है, अभी अभी अंदर की खबर। सुभाष सुभाष एक बात बताओ, ये सब दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे यहाँ दिल्ली में थोड़ी ना तय होता है, तो दिल्ली में क्या जो नेता है वो सर्दी तो यहाँ भी ठीक ठाक पड़ रही है, वहाँ भी ठीक ठाक है, इंडिया गेट के पास आइसक्रीम अच्छी मिलती है, लेकिन ये दिल्ली में फिर क्या कर रहे हैं 10 दिन से? हरक सिंह रावत का वेलकम करने गए थे क्या सारे? बिल्कुल, कहा जा सकता है कि कांग्रेस के जो टिकट बंटवारे में देरी का कारण मुख्य वजह हरक सिंह रावत भी थे, क्योंकि पिछले एक सप्ताह से हरक सिंह रावत दिल्ली में डेरा डाले थे, और क्योंकि कांग्रेस में उनको शामिल नहीं कराया जा रहा था। साथ ही लगभग ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 55 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो लगभग तय है, लेकिन 15 लिस्टें ऐसे हैं जिस पर झगड़े की स्थिति बहुत ज्यादा है, टकराव की स्थिति बहुत ज्यादा है। जो गुट हैं कांग्रेस के, चाहे वो प्रीतम गुट हो या हरीश गुट, उनके जो साथी हैं या उनके लोग हैं, उनका आपस में लड़ाव बहुत ज्यादा है। इस वजह से शायद टिकट में कहीं ना कहीं देरी की जा रही है, लेकिन 55 लिस्ट जो तैयार है, आखिरकार वो कब तक मीडिया के समक्ष रखी जाएगी, कब तक उन लोगों को बताया जाए कि आप चुनाव के मैदान में आए, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि आखिरकार कांग्रेस को इतना समय लग क्यों रहा है, क्योंकि बड़ी चीज ये है कि एक तो हरक सिंह रावत का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन बड़े इसके साथ ही कई और अन्य फैक्टर भी इस पे जुड़ते हैं, क्योंकि हरक सिंह के शामिल होने के साथ ही केदारनाथ विधानसभा सीट, कर्णप्रयाग विधानसभा सीट, रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट, ये वो सीटें हैं। साथ ही लैंसडाउन विधानसभा सीट, डोईवाला विधानसभा सीट,
जिस पर हरक सिंह रावत की नजर थी, जिस पर हरक सिंह रावत अपने लोगों को लड़ाना चाहते थे। तो कहा जा सकता है इस वजह से इन सीटों के समीकरण भी बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। लेकिन राजधानी देहरादून की कहीं ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिस पर कहीं ना कहीं अभी फैसला नहीं लिया जाएगा और कहीं ना कहीं इसे होल्ड पर रखा जाएगा, चाहे वो सहसपुर विधानसभा सीट की बात कर ली जाए, कैंट विधानसभा सीट की बात कर ली जाए, डोईवाला विधानसभा सीट की बात की जाए। ये वो सीटें हैं राजधानी देहरादून की जिनको होल्ड पे रखा जाएगा, क्योंकि प्रत्याशियों की लिस्ट बहुत ज्यादा है और वो प्रत्याशी ऐसे हैं कि यदि उनको टिकट नहीं मिलता है तो कांग्रेस भवन में कहीं ना कहीं पार्टी का कार्यालय का जो झंडा है वो फाड़ने की कोशिश, पोस्टर फाड़ने की कोशिश भी वो कार्यकर्ता कर सकते हैं, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में ऐसा कांग्रेस भवन में देखने को भी मिला था। यहाँ बाउंसर बिठाना मुश्किल हो जाएगा। राजीव भाई, ये जो बात सुभाष कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, आप कह रहे हैं दिल्ली की दौड़, मुझे करेक्ट करिएगा क्योंकि मैंने दिल्ली और देहरादून की दूरी बहुत नापी है। मुझे लग रहा है ये पीछे जो दीवार है ना वो दिल्ली की दीवार है जहाँ आप इस वक्त गाड़ी में बैठे हुए, मैं गलत हूँ? सही कह रहे हैं आप, है ना जी। ये दिल्ली की जो दीवार है ना, ये इंडिया गेट के पास की दीवार है और ये 10 जनपद की दीवार है। मैं तो दीवार का रंग देख के बता दूंगा आपको किस दीवार में आपके दीवार के पीछे खड़े हैं। यार तिलक जी आप चूक गए, मैं 15 जीआरजी पे हूँ। बस यही तो जानना था मुझे। प्लीज कंटिन्यू। मेरा कहना ये था, आप बिल्कुल सही पहुंचे हैं। क्या है कि पिछले 3-4 महीने से हमारा जो पार्टी नेतृत्व था वो उन्होंने कई टीमें लगाकर सर्वे किए, कई 3-3, 4-4 बार सर्वे किए, उन सब की रिपोर्ट लाकर सबका जो मंथन है, जो मक्खन निकला है उसे लाकर दिल्ली में जमा कर दिया है पार्टी ने। अब उसमें दिक्कत ही आ रही है कि एक एक विधानसभा में कई ऐसे चेहरे हैं जो टिकट के प्रबल दावेदार। मैं भी एक विधानसभा से टिकट रहा हूं। अभी देखें ये अब पार्टी हाईकमान पता नहीं किसके किसके गले में माला पहना देगी टिकट के लिए। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार तो जरूर है। आज 1-2 घंटे का इंतजार के बाद लगभग 55-56 सीटें हमारी हो रही है, जैसे सुभाष जी ने बताया। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनकी बात से, और कुछ सीटों पे जोरदार मंथन चल रहा है, जल्दी ही हम उस पर भी बहुत अच्छी पोजिशन में अच्छे जिताऊ प्रत्याशी लेकर आएंगे। दिक्कत अब जैसे आम आदमी पार्टी के मेरे मित्र बता रहे थे सेठी जी, अब इनके यहाँ तो कार्यकर्ताओं को ढूंढ ढूंढ के तो इन्होंने टिकट दिए लोगों को बुला बुला के, भाई तुम बीजेपी से आ जाओ। जैसे हरिद्वार ग्रामीण में नरेश शर्मा को बीजेपी से लाए, कई जगह ढूंढ ढूंढ के ये लोग प्रत्याशी लाए। तो जिनको ढूंढने पड़ रहे उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमारी ये है कि हमारी एक सीट पर कई मजबूत प्रत्याशी हैं। मैं भी हरिद्वार ग्रामीण से टिकट मांग रहा हूं और पार्टी का वर्कर हूं, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, जिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, सब में मैंने बहुत मेहनत की है। तो आज उसी उम्मीद में कि अब देखते हैं पार्टी हाईकमान क्या डिसीजन लेती है और कैसे प्रत्याशी को उतारेगी। और कांग्रेस का तिलक जी, आप तो बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं, कितने चुनाव आपने देखे हैं। कांग्रेस में कई बार क्या होता है, इसी मंथन में अक्सर हमारी जो लिस्ट आती है वो लास्ट टाइम पे ही आती है। तो वो भी कई चीजें हैं, कई कारण है। ये रावत जी की रणनीति पुरानी है, लास्ट टाइम पे दाव खेलो। जी, डैमेज कम होगा। नहीं, डैमेज भी कई चीजें हैं, अभी और मंथन चल रहा है। अभी मैं पूछ लूंगा सुभाष गौड़, कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पर वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अनिल सेठी, आप अपनी बात रखिए, फिर विनोद मैडम आपके पास आ रहा हूँ। ये कह रहे हैं आपको ढूंढ ढूंढ के प्रत्याशी लाने पड़े। नहीं, जैसे राजीव भाई ने भी कहा, मैं ये कहूंगा कि नरेश शर्मा भी एकदम से नहीं है। हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता पार्टी में आता है, पहले 7-8 महीने पहले अपने आप को डिलीवर करता है, पार्टी में काम करता है। आपके यहाँ मूंगोपाल रावत ने तो कह दिया मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ और निश्चित तौर पर टिकट लेके आएंगे। 2 महीने पहले आपके अनुप्रीति जो उनकी हरक सिंह जी की बहू है वो आएंगी, वो काम करेंगी, टिकट लेके आएंगी। राजीव भाई हमारे यहाँ रातों रात नहीं होते। हमारे यहाँ पहले काम करना पड़ता है, 7-8 महीने पहले काम देखा जाता है उनका पार्टी में। हमारे यहाँ पहले काम देखा जाता है, उसके बाद टिकट दिया जाता है। यहाँ पर तो कांग्रेस की सूची इस बात पे रुकी हुई है कि कोई आ जाए। आपकी बात काटूंगा, जब मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था हरिद्वार का, तो नरेश शर्मा भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे, मेरे अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छी हमारी दोस्ती है और कई चीजें हमने संघर्ष करे हैं उत्तराखंड की लड़ाइयों के लिए। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए किया, मैंने अपनी पार्टी के लिए किया, मुझे सब मालूम है कौन व्यक्ति कब किस पार्टी में आया, क्यों आया, क्या कारण है। तो मैं इस बहस में नहीं आपसे पढ़ना चाहता हूं, लेकिन ये है कि हाँ, धीरे धीरे आपकी पार्टी इंप्रूव कर रही है, मैं उस बात से कोई मतलब डिनाई नहीं करता हूं। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करेंगे तो अच्छे फल भी आएंगे। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत ये है कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और बहुत लोगों को उम्मीद है। अच्छा, आखिरी टाइम पे टिकट का ऐलान करने से डैमेज कंट्रोल हो जाएगा विनोद मैडम इनके यहाँ? आप तो जिनको टिकट देने थे आपने भी तो रातों रात ज्वाइन करवाया और सुबह टिकट। विनोद मैडम, मैं गलत बोल रहा हूँ? देखिए, ये ऐसे कई उदाहरण पार्टी हाईकमान का है। अगर कोई हमारे हमारे पास आता है तो हमारा काम लोक संग्रह करना है,
तो ठीक है, उनका जो पार्टी हाईकमान ने सोचा होगा वो ठीक ही सोचा होगा, और हमारा संगठन का तंत्र बहुत बड़ा है, उनकी भी हमने फीडबैक ली होगी, संगठन ने उनकी भी फीडबैक ली होगी, और संगठन ऐसे ही नहीं करता है, हमारे यहाँ पूर्णकालिक कार्यकर्ता होते हैं और लोग भी होते हैं जो फीडबैक आपके यहाँ तो विधायक भी नाराज बताए जा रहे हैं जिनके टिकट कट गए, और जिनके कटने वाले वो भी नाराज बताए जा रहे हैं। नहीं नहीं नाराज, देखिए हमारे यहाँ हमारी विचारधारा से हमारे हमारे बैच हमारा जो भाजपा का जो वैचारिक संगठन है बहुत मजबूत है, और हमारी विचारधारा से और सुभाष मैंने गलत कहा कि कुछ विधायकों के टिकट कटने वाले हैं और कुछ के कट गए वो नाराज हैं? सुभाष नहीं, उनको मना ली, बिल्कुल नाराजगी बहुत ज्यादा, और खास तौर से महिलाओं को जो सम्मान देने की बात भाजपा कर रही थी, उनकी महिला जो अध्यक्ष है यानी कि महिला प्रदेश अध्यक्ष जो है यमकेश्वर से विधायक, उनका टिकट काट दिया गया। हराली से विधायक मुन्नी देवी शाह का, मुन्ना मैडम मान गई कि नहीं? मुन्नी देवी नाराज चल रही है, थराली विधायक, उनका कहना है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा क्योंकि कार्यकर्ता चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। नहीं, देखो, मैंने बेहतर काम किया था, परिवारवाद नहीं चलेगा, परिवार से ये कि अब मुन्ना सिंह चौहान जी को हमारे सम्मानित विधायक, विनोद जी आपने उत्तराखंड में परिवारवाद की पहला उदाहरण आपने दिया, उनको टिकट दे दिया, तो इसलिए ऐसा हम लोग एक आपके यहाँ गए थे, राजीव भाई रुक जाइए, आपको टिकट नहीं देंगे, हम विधायक को टिकट दे रहे हैं, वो विधायक है इसलिए टिकट दे रहे हैं। हाँ विधायक है, अनुकृति कौन सी विधायक है वो पता चल जाएगा, लैंड डाउन से मसूरी से कौन कितना विधायक है वो भी पता चल जाएगा, रुक जाइए अभी, राजीव भाई छोड़िए उस बात को, कहाँ और परिवारवाद में फंसे। अच्छा विनोद मैडम, मैं सुभाष के पास जाऊं अपने सहयोगी के पास, आप कह रही हैं कि हमने जो है परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, ये कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी को किस काबिलियत पे टिकट दिया? नहीं तो ये है ना कि अच्छा ये परिवारवाद नहीं है, पढ़ी लिखी है वो, ऐसा नहीं है, अच्छा पढ़ी लिखी है इसलिए टिकट दे दिया, चैंपियन को टिकट नहीं दिया तो उनकी मिसेज को दे दिया। अच्छा अगर अनुकृति लड़ दिया तो पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं परिवारवाद क्या है, तो हमारी पार्टी के तो हैं वो लोग, हमारे संगठन ये परिवारवाद नहीं है सुभाष, फिर ये परिवारवाद नहीं है, लेकिन वो परिवारवाद है जो कि पिता और पुत्र को टिकट दे देते हैं, फीडबैक मिली होगी, आधार हमारा फीडबैक है, जो अभी रुकिए मेरे पास जो खबर आ रही है सुभाष बताएंगे, कांग्रेस के घर में 5 परिवार ऐसे हैं जिनमें टिकट बटी है, अभी इंतजार करिए, 5 परिवार राजीव भाई 5 परिवार हैं जहां पे टिकट बटी है, 5 परिवार, रुक जाइए अभी टिकट का ऐलान होने दीजिए, सुभाष अपनी बात रखिए। बिल्कुल, जैसे कि बीजेपी ने कहा कि जो सिटिंग विधायक था उनके परिवार, मुन्नी देवी शाह तो वर्तमान में विधायक थी, उनका टिकट काटा गया, उसके बाद यमकेश्वर से अगर बात की जाए रितु खंडूरी का टिकट काटा गया, वो महिलाओं को कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि महिलाओं की दृष्टि से भी देखा जा रहा था कि उनका टिकट नहीं कटना चाहिए था, इसके साथ ही कई अन्य विधायकों का टिकट काटा गया, पौड़ी का टिकट काटा गया, कई ऐसे विधायक हैं, लेकिन अब निर्दलीय मैदान में उतरना वो चाह रहे हैं, लेकिन बड़ी चीज ये है कि भाजपा कह रही है कि महिलाओं को भी वो सम्मान देंगे और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो आखिरकार क्या वजह है कि केदारनाथ विधानसभा सीट का अभी तक टिकट फाइनल नहीं किया गया, क्योंकि जबकि वहां पहले ही 2 महिलाएं अपनी दावेदारी कर रही है, जो कि बेहतर दावेदारी भी कर रही है, पूर्व में दोनों विधायक रही है, इसके साथ ही कई अन्य ऐसी सीटें हैं जिस पर निर्दलीय विधायक अब चुनाव निर्दलीय तौर पर विधायक चुनाव लड़ना चाह रहे हैं क्योंकि टिकट उनके काटे गए, पार्टी की गुटबाजी है, पार्टी की जो लाइन थी बीजेपी की वो पूरी तरीके से अब एक तरफ नजर आ रही है, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि बाहर से बुलाकर लोगों को पार्टी में शामिल कराया जाता है और उसके बाद टिकट दिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है जो झंडा उठाते हैं पार्टी का वो लोग काफी नाराज चल रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए नरेंद्र नगर विधानसभा की बात कर ली जाए तो नरेंद्र नगर विधानसभा से ओम गोपाल रावत की नाराजगी बहुत ज्यादा है, वो पिछली बार भी चुनाव लड़ गए थे और इस बार वो कह रहे हैं कि वो अब पार्टी ही बदल देंगे, कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगे। ये साफ है कि भाजपा में जो गुटबाजी है, भाजपा का जो ये कहा जाता है बूथ लेवल का कार्यकर्ता है उसकी नाराजगी बहुत ज्यादा है और वो अब अपनी पार्टी अपनी सरकार के खिलाफ ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार पूरी तरीके से नजर आ रहा है जी। ये राजीव चौधरी जी क्या सही है ओम गोपाल रावत वाली खबर? आप तो दिल्ली में है भाई साहब। नहीं नहीं दिल्ली में मैंने भी सुना था कि ओम गोपाल जी शायद कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, ऐसी चर्चा है वो भी अभी, लेकिन किसी बड़े नेता से मेरी इस बारे में बात नहीं हुई कि वो हरीश रावत जी के घर जाके वो प्रणाम कर चुके हैं।
हो सकता है करे होंगे, मैं तो वहां मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे मालूम है कि वो संपर्क में हैं और वो भी चाहते हैं कांग्रेस में आऊं, क्योंकि आज कांग्रेस बहुत अच्छी पोजीशन में प्रदेश की सरकार बनाने में। टिकट की डील पर कोई भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, टिकट की डील नहीं है, टिकट की डील तो हमने जो आए अब तक किसी से भी नहीं की है, और जब सूची आएगी उस सूची को जब आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। राजीव भाई देखिए, आप हरक सिंह रावत को लेकर ये मत बोलिए ना कि हमने किसी के साथ कोई डील नहीं की है, अच्छा नहीं लगता, पब्लिक सब देख रही है ना, नहीं तो हमने अभी 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 देखते हैं कि हमारी पार्टी ने तो उन्होंने कहा नहीं है, उन्होंने भी कल मैं भी मिला था उनसे, मुलाकात हुई थी मेरी, तो उन्होंने वो जब वो बयान दे रहे थे मीडिया को, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं कोई भी टिकट की डील पे कोई शर्त रख के नहीं आया हूँ, बिना शर्त के पार्टी के साथ। हरक सिंह रावत जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं है। आप बिल्कुल सर, ये तो नेताओं के बारे में कहा जाता है, सभी नेताओं के बारे में कहा जाता है कि वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ये तो एक इमेज बन गई है। हरक सिंह रावत के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, धन सिंह रावत जी ने भी कहा था, 2003 में जैनी ने भी कहा था, 2012 में उन्होंने खुद कहा था कि धन सिंह रावत जी मंत्रालय मेरे जूते की नोक पर, 2016 में एक महिला ने आरोप लगाया था, सबसे बड़ी बात थी अपने कार्यकर्ताओं को नकार के मंत्री बनाया जब उन पे आरोप लग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को 2016 में उनमें क्या दिखाई दे गया था कि उन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन कराई और 5 साल उनको वो बहुत महत्वपूर्ण मंत्री बना रखा। किसी को ज्वाइन नहीं कराया है, हमने नहीं कराया ज्वाइन, वो लोग खुद हमारे पास बिना ज्वाइन लड़ाया था, लोकतंत्र नहीं बिना ज्वाइन लड़ाया था, तो हमने कहा चलो विनोद जी लेने तो कांग्रेस के लोग भी नहीं देते रक्षण जी को, आप रक्षण जी को जो क्यों नहीं रखा, वो हरीश सिंह की तानाशाही की वजह से आए हैं, तानाशाही की वजह से नाराज हो गए थे, क्यों नहीं उनके नाराजगी को आपने आप लोगों ने दूर किया, इसलिए हम नहीं लाए उनको, ये गलत ये मत कहिए कि हम बीजेपी लाई है, नहीं बीजेपी लेगी थी उसमें तो बहुत बड़ा खेल था सब, ये सारा देश जानता है इस बात को, विनोद जी आप बात मत छुपाइए, आपने गोवा में आपने गोवा में बता रही हूं ना, हमको तो अपनी पार्टी हम लोग नहीं लाए, खुद आए हैं, क्यों इतने सारे लोग नाराज हुए भाई, कैसे दूसरे राज्यों में सरकार बना रही, पूरा देश देख रहा है, पूरे देश के अंदर आपने किस तरह से सरकार बनाई, गोवा में आपने कैसे सरकार बनाई, आपने कर्नाटक में कैसे सरकार बनाई, आपने मध्य प्रदेश में कैसे सरकार बनाई, ये सारा देश देखता है। विनोद जी मैं देखिए आप सम्मानित महिला हैं, मैं आपका बड़ा प्रमाण आपको प्रणाम और सम्मान भी करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस लेवल पे काम देश के अंदर कर रही है, अपनी सरकार बनाने के लिए अपने सिद्धांतों से कैसे गिर जाती है, ये पूरा देश देख रहा है, क्या क्या इस्तेमाल आप करते हैं, भ्रष्टाचारी चिट फंड में उनको आपने अपनी पार्टी ज्वाइन कराई, आपने उनको अपनी पार्टी ज्वाइन कराई, भाजपा लाई है उनको, भाजपा उनको नहीं लाई है, मेरा सब भाजपा सारा देश जानता है कि भाजपा क्या खेल करती है सत्ता बनाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है विनोद जी, पांच दिन हरक सिंह जी पांच दिन ज्वाइन किए, इंतजार करते रहे जब कांग्रेस आला कमान की जो शर्तें थी, जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर जाकर उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने टिका दिया, छिन्न भिन्न हो रखा है संगठन नाम की, कोई चीज ऐसे ज्वाइन नहीं हुए कि आए और हमने आते ही पार्टी को ज्वाइन करा लिया, किसी को सहमति नहीं बनी है इसलिए उनको पांच इंतजार करना पड़ा, नहीं नहीं सहमति की बात है इसमें, हरीश रावत जी देखिए विनोद जी मेरी बात सुनिए, पार्टी फोरम से अलग उत्तराखंड के अंदर राजनीति में हरीश रावत सबसे बड़ा चेहरा है, ये सब जानते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो हरीश रावत जी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है, उत्तराखंड की विनोद मैडम अब हो गया अब जनता ने देख लिया, जो मैं तो तभी नहीं रोक रहा था आप लोगों को, मैंने शुरू में ही कहा था कथनी और करनी की परीक्षा थी हरीश रावत के लिए, हरीश रावत के सामने एक नजीर पेश करने का मौका था, मैं फिर कह रहा हूं राजीव भाई जी, ये उत्तराखंड से दल बदल का कलंक मिट जाता अगर हरीश रावत ये फैसला ले लेते, अंगद की पैर की तरह अड़ जाते कि हरक सिंह रावत ना तो ना, उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा दिन था कल, उत्तराखंड के माथे पर एक बार फिर से दल बदल का
कलंक लगा और इसके सबसे बड़े गुनहगार हरीश रावत के ऊपर आरोप है फिर कि उन्होंने कथनी और करनी की परीक्षा में फर्क दिखा दिया। उत्तराखंडियत की बात थी कल उत्तराखंडियत की और हरीश रावत उत्तराखंडियत की बात में फेल साबित हो गए। मैं अपनी बात रखूं, एक दिन भी जब से ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक छोड़ के कांग्रेस में आने की बात कर रहे थे, हरीश रावत जी ने कभी ये नहीं कहा कि कांग्रेस में नहीं लेंगे। उन्होंने कहा जो उन्होंने किया है, जब वो उसकी दिल से क्षमा मांगेंगे तो हम कांग्रेस में उनका स्वागत करेंगे। और जब हरक सिंह जी ने उसकी दिल से क्षमा मांगी तो उनको ज्वाइन कराया दिल से। जी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, रुकिए एक मैडम, विनोद मैडम, वो हंसते हुए तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखे होंगे आप विंडो में हंसते हुए। मैंने देखी देखी थी मुख्यमंत्री के साथ, वो दिल से पश्चाताप कर रहे थे। पश्चाताप करके ही वो पार्टी में आए हैं, ऐसा नहीं उन्होंने स्वीकार किया है। 2016 में डाइनिंग टेबल पे बैठ के पश्चाताप हो रहा था, सबने देखा। छोड़िए भाई साहब, सब जानते हैं क्यों किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं आप। जो बस पे, अगर वो जो बस गई थी ना, जो विनोद मैडम ने बस करवाई थी विधानसभा के बाहर से, उसमें एक एक शख्स को मैं जानता हूँ उस बस में बैठे हुए। सही कह रहे हैं, आप भी बैठ जाते ना, और तभी बहन जी सीट पर बैठे हुए थे ये जनाब जिनको आप साथ लेकर आए, वो सब अभी मेरी बड़ी बड़ी बहन जी ये कह रही है कि हम बुला, हम किसी को लेके नहीं गए। बताओ बस यार, बस लगी हुई थी, वो बस में बैठ गए, वो बस बस किसने भेजी थी? बस तो छोड़िए, वो चार्टर्ड प्लेन भी गया था, और चार्टर्ड बस किसने भेजी थी? वो दिल्ली में होटल के कमरे में घुस हुए थे। छोड़िए सर, हरीश रावत जी की तानाशाही से उकता गए थे, तो फिर आज क्यों हरीश रावत जी के पास वापस आए हैं जब उनकी तानाशाही आज वो हरीश रावत जी के साथ ही खड़े हैं। मत दिखाओ, मत दिखाओ राजीव भाई को, मत दिखाओ ये तस्वीरें, ये मत दिखाओ ये तस्वीरें, ये तस्वीरें क्यों दिखा रहे हो राजीव भाई को मुस्कुराते हुए हरक सिंह रावत की मुख्यमंत्री जी के साथ। खैर छोड़िए, अनिल सेठी जी आप मुस्कुरा रहे हैं, ये तो कांग्रेस और बीजेपी के घर में चलता रहता है ना, जो कांग्रेस है वही बीजेपी, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, आप लोग यही कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तिलक जी, जब हरक सिंह रावत जी पार्टी छोड़ के जाते हैं तो पूरा उत्तराखंडियत पे बात आती है कि उत्तराखंडियत की मतलब वो कर दिया ना, पूरा उत्तराखंडियत को बदनाम किया है। लेकिन जब हरक सिंह रावत कांग्रेस में आते हैं तो जी कांग्रेस को एक लिखित में माफी मांग लेंगे तो फिर उत्तराखंडियत की वो विषय एक तरफ हो जाता है। जहां तक बात है विनोद जी की, विनोद जी कहते हैं कि भाजपा एक अनुशासन पार्टी है, वो इतनी अनुशासन पार्टी की उन्हें प्रदेश कार्यालय में 3 बाउंसर बैठाने पड़ रहे हैं, चमोली से लेकर और आपके टिहरी तक इनके यहाँ संग्राम मचा हुआ है, आधे से ज्यादा विधायक निर्दलित। आपको पिछले का 3 बाउंसर बिठा रखे हैं विनोद मैडम ने, आप प्रदेश कार्यालय में जाइए अब पता लग जाएगा आपको 3 बाउंसर बिठा रखे हैं। ये गए थे सेठी जी के पास उम्मीदवार करने गए थे क्या? सिंबल आ रहे हैं तो सेठी जी भी उम्मीद में गए थे, सेठी जी भी किसी उम्मीद में गए थे, आप भी क्या ज्वाइन करने गए थे क्या बीजेपी में? है जी, आप ज्वाइनिंग करने गए थे क्या बीजेपी में? अगर बाउंसर ना बैठे होते चावला जी, अगर बाउंसर ना बैठे होते तो ये भी आज दुरंगे पर्दे में झंडे में होते, बाउंसर की वजह से अंदर नहीं जा पाए। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता मैंने आपको आए हुए हो रहे हैं, आपको ही आए हुए हो रहे हैं, ये तो विनोद जी ने वहाँ पहले बाउंसर बैठाए वरना ये आज भाजपा में होते। दिल्ली में भी हम 7-8 महीने पहले ही आए थे, उस वक्त भी आपको गलतफहमी थी, आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है। जी क्यों, वहां पे तो बीजेपी कार्यालय में गेट लगा हुआ है, राजपुर रोड पे जाओ कांग्रेस कार्यालय में गेट ही नहीं है, बाउंसर तो छोड़ो वहां चले जाते तो कोई रोकता भी नहीं। कल आप बैठेंगे आपको पता लग जाएगा वहां बाउंसर बैठे हुए 3। कांग्रेस में वो तोड़ फोड़ करके चले जाते, कोई रोकता नहीं है उनको, कोई रोकता नहीं है। राजीव भाई जानते हैं पहले भी तोड़ फोड़ हो चुकी है, मारधाड़ होती रहती है कई बार। क्या होता है कुछ ये दूसरी पार्टियां इस तरह की घटनाएं करा देते हैं, कांग्रेस का वर्कर ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी के साथ। अभी आपने कहा कि हमारे यहाँ गेट नहीं है तो कोई भी घुस सकता, जहाँ गेट ना हो तो कोई भी लोग हो सकते हैं, वो जरूरी थोड़ी कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हों, जो कांग्रेस की विचारधारा में जुड़ा हुआ है, जो महात्मा गांधी को मानने वाला वो मारधाड़ करेगा, वो मारपीट वाली, वो भी कांग्रेस ही नहीं थे। उसमें भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था, जब आप, मैंने आप ही के चैनल पर देखा था कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि उसमें जांच कर रहे हैं और पता लगा बाद में, खुद जिनके साथ वो घटना हुई वही कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग नहीं है, ये बाहर से कुछ लोग आए हैं जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। अच्छा अच्छा, तो चलिए कोई बात नहीं सर, वो जांच का विषय। अच्छा विनोद मैडम जी के सामने सामने कहा, विनोद मैडम जिसको वो भी विधायकों के टिकट काटे, वो भी तो आप ही ने बेला फुसला के ले गए बहन जी, उनको भी तो टिकट का लालच देकर ले गए आप, आज आपकी पार्टी से प्रत्याशी है वो। देखिए तो हम वही तो हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो आपकी पार्टी तो आपकी
बहन जी आपकी पार्टी के विधायक तो कांग्रेस से ही जाके बनते हैं कई बार, 2017 का मामला हो चाहे कहीं भी हो। नहीं क्यों, हमारे यहाँ सारे योग्य हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि भाई चलो तो आपके आपने 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 नैनीताल में है तो क्या करता हमारा संगठन। तो आपने नैनीताल में कांग्रेस की अयोग्य महिला अध्यक्ष को टिकट दे दिया, फिर उन योग्य कार्यकर्ताओं के साथ धोखा नहीं किया आपने? नहीं तो धोखा तो आप लोगों ने संग किया ना, कि जब आप वो कह रही कोई सम्मान ही नहीं है कांग्रेस में, कांग्रेस विधायक रही है, कांग्रेस ने उनको विधायक बनाया, कांग्रेस ने महिला का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कांग्रेस ने उनको हमेशा सम्मान दिया। वो उत्तराखंड की महिला की कांग्रेस की अध्यक्ष रही है, वो उत्तराखंड में कांग्रेस की विधायक रही है, तो ये कैसे कह सकती है वो कि हमें सम्मान नहीं मिला? ये थोड़ी है, देखिए देखिए बहन जी, ये अपने निजी स्वार्थ है। और कई बार क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में लोग आ जाते हैं, चले गए हैं, अब वो भी अगले साल वो भी उस गलती का पछताप करेंगे जो अब कहीं किए उन्होंने। ऐसे कई लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में गए और पछता रहे हैं, सबको सब आपके यहाँ पछता रहे हैं। विनोद मैडम, मैं अनिल जी के पास जाऊँ। विनोद मैडम, ये 10 विधायकों के आपने इतना विकास किया, डबल इंजन की सरकार ने विकास की गंगा बहा दी, पकड़ पकड़ के लोगों को रोजगार दिया आपने, जैसे आपके नेता कहते हैं ना हमने रोजगार दिया, लोग तो लोगों को पकड़ पकड़ के जो आपने रोजगार दिया, इतना विकास किया, विकास की गंगा बहा दी, कोटद्वार में इतना विकास हुआ पूछिए मत, हरक सिंह रावत ने कितना विकास किया है ना, तो फिर ये 10 विधायकों के टिकट क्यों काटे फिर आपने? अभी से उसमें से भी 5 के और कटने वाले सुनने में आए। नहीं देखिए 59 की लिस्ट आ गई है और बाकी आने वाली होगी, लेकिन मैंने पहले कह दिया आपको कि हमारे यहाँ फीडबैक के आधार पर टिकट दिए गए हैं, और मतलब उन्होंने विकास नहीं किया कि किसी ने कहा, मतलब कुंवर पणस सिंह चैंपियन ने विकास नहीं किया था, बूथ स्तर से फीडबैक आया है, पूर्णकालिक जो हमारे कार्यकर्ता हैं वहां से फीडबैक आया है, हमारे जो वैचारिक संगठन हमारे संग जुड़े हुए हैं उनका फीडबैक आया है। तो फिर उन्होंने आपने कहा कि फीडबैक के आधार पर उनका टिकट काटा गया, तो फिर किस फीडबैक के आधार पर उन्हीं के परिवार को टिकट दे दिया गया? नहीं ऐसा है ना, परिवार का उन्होंने कहा कि भाई फीडबैक तो उन्होंने कहा कि हमारी मिसेज को दे दो टिकट, तो उनको दे दिया, हमने दे दिया बस। मिसेज को क्यों दे दिया? तो और आपके पास कार्यकर्ता नहीं थे, वो भी लड़ना चाह रहे थे, उनका भी नाम आया है, तो फीडबैक में वो ज्यादा अच्छी कंडीशन में उनके मिसेज को टिकट दे दिया, ऐसा हो गया कि उनको टिकट दे दिया हमने, राजीव भाई एक मिनट एक मिनट, तो उनको टिकट दिए हैं वो जो क्या नाम है कणवाल साहब, देशराज कणवाल, वो कह रहे हैं मेरी पत्नी को भी टिकट दे दो, वो तो अध्यक्ष को टिकट वो लिख रहे हैं, वो कह रहा रानी साहिबा को टिकट मिल सकता है तो मेरी पत्नी को क्यों? अगर आप पिछला उठा के देखेंगे तो पहले उनकी मिसेज को भी टिकट दिया था, कणवाल को दूसरी बार दिया है, उनकी मिसेज को दिया था, वो जीत नहीं, इस बार उनको भी दे दी ना टिकट, अगर उसी आधार पे अगर आप पक्षपात नहीं करते, चैंपियन साहब की बीबी को टिकट मिल सकता है तो उनकी बीबी को भी दे दी। हाईकमान का है, अब क्या है ये 11 लोगों की लिस्ट में किसका नाम है ये तो हमें भी नहीं पता ना, ये तो हाईकमान को मालूम है। एक अच्छा चलिए चैंपियन के बारे में कुछ मत बोलिए, एक नाम और पूछूं आपसे, और हमारा प्रदेश का नेतृत्व इस बात पे फैसला करेगा। विनोद जी, सुरेश राठौर जी को किस बात पे टिकट दे दिया, किस काबिलियत पे दिया उन्हें? किसको? सुरेश राठौर जी को जबलपुर से, तो क्यों विधायक नहीं है हमारे? उन पे एक बलात्कार का मुकदमा चल रहा है, शायद वही उपलब्धि है। नहीं नहीं देखिए, जहां पर गड़बड़ी थी एक बात अच्छी तरह सुन लीजिए, आप नहीं मानते कि उनपे उन्होंने अत्याचार किया, एक महिला के साथ बलात्कार किया वहाँ खुलेआम, वो महिला और बाद में आपने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके उस महिला को जेल भेज दिया, तो आप उस व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं, तो ये आपका फैसला अच्छा है? जहां पर गड़बड़ी थी, जब कुमाऊं में एक आप एक महिला के साथ बलात्कार करने वाले को गड़बड़ी नहीं मानते मैडम? एक महिला के साथ गड़बड़ी नहीं मानते आप? किसी महिला के साथ अगर बलात्कार हो रहा है उस बलात्कारी को गड़बड़ी नहीं मानते आप? हम उसको सही मानते हैं? अगर आप ऐसा मानते तो मुझे शर्म आती है आपकी पार्टी पर, उसकी पार्टी की सोच है, जिसमें कुलदीप सेंगर जैसे लोग हैं, जिसमें सुरेश राठौर जैसे लोग हैं, जिसमें चिन्मयानंद जैसे नेता हैं, ऐसी पार्टी आप इसमें महिला सम्मान की बात करते हैं? उत्तराखंड मातृशक्ति के आंदोलन से बना हुआ राज्य है मैडम, महिलाओं ने अपना जीवन देकर इस राज्य को बनाया है, और उसी राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक एक महिला के साथ बलात्कार करता है, और उसके बाद जब वो महिला उस पर आरोप लगाती है तो उसको जेल भेज दिया जाता है, और उसी विधायक को आप दोबारा चुनाव लड़ाते हैं और कहते हैं कि उसकी उसके अंदर कोई क्वालिटी उपलब्धि थी इसलिए आपने जिताया उसको टिकट दिया, आप बलात्कार करना उपलब्धि मानते हैं इस नेता की? एक मिनट विनोद जी, विनोद जी राजीव जी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जिनको आप साथ लेकर आए ना उनपे कितनी बार दुष्कर्म के आरोप लगे हैं मालूम है आपको?
राजीव भाई, उन्होंने जब भी आरोप लगाया उन्होंने उसका कानूनी प्रक्रिया से मुकाबला किया, सामना किया है, और वो हमेशा उसमें निर्दोष साबित हुए। सफदरजंग थाने में, चाहे सफदरजंग थाने में, चाहे कोई भी, चाहे 2002 वाला जैनी प्रकरण हो, सब में उन्होंने उसका कानूनी प्रक्रिया का सामना किया। आपके नेता पे लगे आरोप जो है वो निराधार है, उनके नेता पे लगे आरोप तो जैनी प्रकरण पे आरोप लगा था चावला जी, उस समय तुरंत उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, देना पड़ा। मंत्री पद से इस्तीफा देना और डीएनए की रिपोर्ट, दोनों में बहुत फर्क होता है। उत्तराखंडियत अच्छी बात है, मैंने तो सोचा कि इस बार तो हरीश रावत जी बिल्कुल उत्तराखंडियत खूटा गाड़ देंगे, ले आए कोई बात नहीं, उनकी मजबूरी होगी, प्रीतम सिंह का दबाव होगा, देवेंद्र यादव का दबाव होगा, जो भी हो वो दबाव विनोद उनियाल जी की पार्टी पे भी था। लेकिन अब खबर एक और आ रही है, जरा उस पर भी पुष्टि करिए, राजीव भाई को बताइए टिहरी वाले का क्या मामला है, टिहरी वाला। ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि किशोर उपाध्याय भी जल्द भाजपा में शामिल हो सकते हैं, और यही वजह थी कि पार्टी ने उनको पार्टी से पूरी तरीके से उनके जो पद थे वो ले लिए गए थे, और उसके बाद भी लगातार दो बार उनकी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से मुलाकात हो चुकी है, और ये अभी एक नई जानकारी आ रही है कि दिल्ली में भी उन्होंने जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक से मुलाकात किया, यानी कि अब जो भाजपा ने टिहरी का टिकट पिछले लंबे समय से यानी कि पहली लिस्ट में जारी नहीं किया वो शायद किशोर उपाध्याय के लिए रोका गया होगा, और इसी वजह से शायद टिहरी का जो टिकट था वो अभी तक घोषित नहीं किया गया। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि किशोर उपाध्याय शायद अब जल्द भाजपा में शामिल होकर टिहरी में भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। है विनोद मैडम ऐसा है, मुबारकबाद दूं, एक रात को मीटिंग हो गई थी वो जो वायरल हो गई थी तस्वीरें रात के अंदर, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को और हमारे पदाधिकारियों को मिले हैं, मिले होंगे, लेकिन वो बनाधिकार आंदोलन के परिपेक्ष में मिले थे, और वो एक कोई नहीं मिले हैं, सभी को मिले हैं, सभी लोगों को मिले हैं बनाधिकार आंदोलन भाई? किशोर उपाध्याय को लेकर अफवाहें उड़ रही है, रावत जी तो चलिए ठीक है आ रहे हैं, लेकिन किशोर जी जा रहे हैं, वो कह रहे हैं जब किशोर जी के जाने की, ये तो भारतीय जनता पार्टी का गुमराह करने का तरीका है। अभी मेरी बहन जी कह रही थी, सम्मानित बहन जी कह रही थी कि हम लोग तो पहले आदमी का इस्तेमाल करते हैं, उसका पूरा कार्य का काम देखते हैं, उसको संगठन में यूज करते हैं, उसके बाद टिकट देते हैं। शायद किशोर जी अंदर खाने कहीं ना कहीं इनकी पार्टी के लिए काम कर रहे होंगे, अगर इनकी ये उनको टिकट दे रहे हैं तो। किशोर जी कि जब कांग्रेस हाईकमान को जानकारी हुई कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, पार्टी ने तभी एक्शन लिया और सभी जो पद थे उन पद से उनसे वापस ले लिए गए। अब वो किशोर जी का फैसला है कि वो कांग्रेस में काम करना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहते हैं। फसा दिया विनोद मैडम आपको, किशोर भाई को फसा दिया, इतने असज्जन व्यक्ति हैं, उन्होंने खुद ना इधर के रहना उधर के बिसाले सनम, मैं मिला हूं सबको, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने सभी को, अरे भाजपा को ही नहीं और संगठन के लोगों को भी मिले हैं। अच्छा तो वायरल बीजेपी वाले नेताओं जो मेन डिसाइड चल रहा है अब उत्तराखंड में। अच्छा कुल मिलाकर सुभाष कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं तो वेलकम नहीं कर रहे आप उनका, आएंगे तो? अभी तो हमको ऐसी कोई जानकारी है नहीं, नहीं है। अनिल सती साहब जब हमारा प्रदेश ने आपको तो जानकारी है, बीजेपी के घर में तीन तीन बाउंसर बिठा रखे हैं, सुभाष को जानकारी नहीं? अभी होकर आए बीजेपी दफ्तर, सुभाष को नहीं दिखाई दिया, आपको दिखाई दिया तीन तीन बाउंसर, जानकारी होगी किशोर उपाध्याय आ रहे कि नहीं? हम क्या फैसला कर सकते हैं इस पे, हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो, हाँ विनोद मैडम कौन फैसला करता है, आप थोड़ी ना अगर करेगा बस 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 में नौ नौ दस दस विधायक सवार हो जाते हैं, फैसला आप थोड़ी ना करते हैं। हमारी जो लिस्ट है वो तो तैयार हो ही रखी है, कभी भी निकल सकती है। जी जी जी, अभी एक और नाम है मेरे पास इस लिस्ट में जो छुपा हुआ है, देशराज की तो बात कर ली, एक नाम और बात करूंगा। अनिल सती साहब जी जी, लग रहा है किशोर जी आ जाएंगे बीजेपी में? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे जी, पिछले एक साल में तो 97 विधायक भाजपा से कांग्रेस में आए हैं, कांग्रेस से भाजपा में गए हैं, और मोदी जी ये कहते थे कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन वो गलती से बीजेपी युक्त कांग्रेस बना गए, तो भाजपा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भाजपा है, इसमें कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो कहीं भी जाएंगे, जाएंगे भाजपा में स्वागत है ऐसे नेताओं का, और भारतीय जनता पार्टी आधे से ज्यादा युक्त भाजपा। सुभाष सुभाष एक बात, राजीव जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, ये तो तय है ना कि यहाँ तो सेटिंग गेटिंग मतलब जो विधायक थे कांग्रेस में उनके टिकट तो नहीं कटेंगे, ये तय है ना? जी नहीं, क्योंकि बचे ही
राजीव भाई हाईली को काटोगे किसके? केवल 11 ही विधायक, केवल 11 विधायक कांग्रेस के पास है, लेकिन केदारनाथ सीट, मैंने कहा ना केदारनाथ सीट वो सीट है जिस पर अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। अब वो किस वजह से बना हुआ है ये सभी को पता है कि हरक सिंह रावत का इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार हरक सिंह रावत किस दिन कांग्रेस में शामिल होंगे। और उसके बाद जो केदारनाथ सीट है जहां से विधायक हैं कांग्रेस के मनोज रावत, उस सीट पर अब क्या होता है, या तो हरक सिंह रावत क्या उस सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करके कांग्रेस में शामिल हुए हैं तो शायद मनोज रावत को वो सीट छोड़नी पड़ेगी, या फिर ये कहा जा सकता है जो लिस्ट जारी होगी उसमें केदारनाथ सीट के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम का चयन नहीं किया गया होगा, उसको भी होल्ड पे डाल दिया गया होगा। क्योंकि लगभग जैसे मैंने बताया कि 15 ऐसी विधानसभाएं सीटें हैं जिस पर स्थिति अभी साफ नहीं कर सकती कांग्रेस की, आखिरकार किस कैंडिडेट को चुनाव लड़ाना है, किस व्यक्ति पर भरोसा करना है, क्योंकि गुटबाजी की वजह एक बड़ी है। प्रीतम सिंह चाहते हैं उनका व्यक्ति चुनाव लड़े, हरीश रावत जी चाहते हैं उनका व्यक्ति चुनाव लड़े, लेकिन बड़ी चीज यह है कि हरीश रावत जिन व्यक्तियों को चाहते हैं उसमें भी चार लोग हैं, उन चारों में से किसने चुनाव लड़ना है ये बड़ी समस्या है। प्रीतम सिंह के पास जरूर एक आदमी हो सकता है लेकिन हरीश रावत के पीछे चार चार लोग हैं एक एक विधानसभा सीट पर, तो उन चारों में से किसको टिकट दिलाएंगे, ये एक बड़ी, ये कहा जाता है कि बड़ी खतरनाक स्थिति में कांग्रेस इस समय है। और खासतौर से यदि वो 55 नामों की घोषणा आज कर भी देती है, जो 15 लास्ट में जो टिकटें छूट जाएंगे, चाहे वो राजधानी देहरादून की कई सीटें क्यों ना हो, डोईवाला हो, सहसपुर हो, मसूरी हो, कैंट हो, इन सीटों पर बड़ा खमासान देखने को मिल सकता है। साथ ही ये कहा जा सकता है कि इन सीटों पर जैसे ही प्रत्याशियों के नाम का चयन होगा कांग्रेस की तरफ से, उसके बाद बड़ा घमासान देखने को मिलेगा उनके पार्टी कार्यालय में उनकी पार्टी के खिलाफ। और ये कहा जा सकता है जो झंडा उठाते थे कांग्रेस का वो झंडा फेंकते हुए आपको नजर आ सकते हैं। अच्छा, लेकिन विनोद मैडम अभी बहुत खुश हो रही हैं, अभी नाम लेता हूँ, रुकिए एक सेकंड। विनोद मैडम जी, सुनने में आया रुद्रपुर में भी बहुत रड़ छिड़ा हुआ है बीजेपी के घर के भीतर, रुद्रपुर जहां वो आपके विधायक जी हैं। नहीं तो अभी अभी वो जो करते कहते हैं मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए मुझे, वो वाले अभी अभी लिस्ट निकली कहां है, तो किस उनका भी टिकट कट रहा है क्या? नहीं नहीं, अभी कोई ये कोई जरूर नहीं है कि अगर लिस्ट में नाम, पहली लिस्ट में नाम नहीं आए तो टिकट कट रहा है, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अच्छा, लिस्ट आने दीजिए ना। क्या ऐसा ही है सुभाष? विनोद मैडम कह रही है, फिर फाइनल कमेंट है राजीव आपसे। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है, और यही वजह है कि राजकुमार टुकराल को क्षेत्र की जनता को छोड़कर राजधानी देहरादून के बीजेपी कार्यालय में घूमते हुए नजर आ रहे हैं और सभी बड़े पदाधिकारियों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से उनकी ऑडियो वायरल हुई है चुनाव के समय में, उस ऑडियो का खंडन करते हुए वो सभी नेताओं के सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि राजकुमार टुकराल का टिकट कटने की उम्मीद है, यही वजह है कि वो इन दिनों राजधानी देहरादून में नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजकुमार टुकराल अनुमम अपने विधानसभा क्षेत्र में नजर आते थे क्योंकि चुनावी माहौल था। और कुछ ये कहा जा सकता है, लगभग कुछ महीने पहले हमारी उनसे मुलाकात भी हुई थी राजधानी देहरादून में, जब उन्होंने कहा था कि अब वो अपने विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे, जनता के बीच रहेंगे क्योंकि चुनाव नजदीक है। लेकिन आखिरकार ऐसी क्या वजह पड़ी कि उन्हें फिर राजधानी देहरादून के प्रदेश कार्यालय की, जो प्रदेश कार्यालय भाजपा, वहां भटकना पड़ा, उन पदाधिकारियों से मुलाकात करना पड़ा। इससे साफ है कि ताल में कुछ काला जरूर है और इस वजह से राजकुमार ठुकराल राजधानी देहरादून में जो प्रदेश कार्यालय वहां मौजूद नजर आ रहे हैं। अच्छा राजीव जी, फाइनल कमेंट ले रहा हूं आपसे, ये जो पूरी कश्मकश चल रही है कांग्रेस के घर के भीतर, अभी जो स्थिति है तो साफ है ना कि हरीश रावत ही चेहरा होंगे मतलब मुख्यमंत्री पद का? या भी हरीश रावत जी, हरीश रावत जी उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस ही नहीं, पूरे सभी अगर राजनीतिक पार्टियों का हम तुलना करें तो हरीश रावत जी सबसे बड़ा चेहरा है। हाँ, कांग्रेस में वो सबसे वरिष्ठ नेता है और उनको अनुभव भी बहुत है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मैं ये उसी बात पा रहा हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो जब हमारे विधायक बहुमत हमारी पार्टी का आ जाएगा, उसके बाद आपके विधायक मंडल की बैठक में विधायक नहीं चुनते आपके यहाँ, बता दें विधायक, उदाहरण के साथ विधायकों ने चुनना होता तो 2002 में ही हरीश रावत मुख्यमंत्री होते, तिवारी जी बने। विधायकों ने चुनना होता तो 2012 में, समझ रहे ना सर, दिल्ली में जहां खड़े है ना वहीं पर ही 17 विधायक बैठे हुए थे धरने पर, किनके घर में बैठे थे वो भी मालूम है आपको, तो इसलिए विधायक नहीं चुनते हैं, विधायक नहीं चुनते हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। जब हम लोग विपक्ष में होते हैं तब हमारा चेहरा नहीं होता है, संयुक्त नेतृत्व तो चुनाव लड़ता है, जहां हमारी सरकार होती है ये बोलते हैं आप कि हमारे यहाँ विधायक चुनते हैं,
आपके यहाँ भी नहीं चुनते और विनोद मैडम के यहाँ भी नहीं चुनते, विधायक नहीं चुनते हैं, हमारे यहाँ विधायक चुनते हैं। कांग्रेस के यहाँ विधायकों से लिखा है हाईकमान, एक लाइन हो गई, हाईकमान जो फैसला करे। और आपके यहाँ इनके यहाँ केवल अमित शाह ही चुनते हैं, विधायकों ने बदले, विधायकों ने बदले, इन्होंने इस बार पांच साल में नहीं, पांच साल में मुख्यमंत्री बदले गए हैं। तो क्या जब से उत्तराखंड बना है आठ मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, ये दो बार सरकार में आठ बार मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है, वो आप लोगों के घर का मसला है। आज कल अमित शाह चुनते हैं, ये है कि टिकट कुछ ही घंटों के बाद कांग्रेस के घर में जारी होने वाले हैं। सुभाष ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। सुभाष जरा बाउंसर बाउंसर चेक कर लेना, अनिल भाई बता रहे थे कि बाउंसर बाउंसर लेकर घूम रहे हैं आजकल, ध्यान रखना कांग्रेस कार्यालय। हमारे यहाँ तो दरवाजा ही नहीं है, हमारे यहाँ दरवाजा ही नहीं है, राजपुर रोड पे तो दरवाजा ही नहीं है, जो आता है सब हो जाता है। ऐसी कोई संभावना नहीं है, मैं भी टिकट मांग रहा हूँ। देखिए मेरे मैं हरिद्वार ग्रामीण से टिकट मांग रहा हूँ और 18 प्रत्याशियों ने लोगों ने आवेदन किया था टिकट के लिए। अब जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं होता हमारी लड़ाई टिकट के लिए जारी रहेगी, लेकिन जब टिकट डिक्लेयर हो जाएगा फिर सब मिलकर उसको चुनाव लड़ाने का जिताने का काम करेंगे। राजीव भाई शुभकामनाएं। एक सेकंड, बड़ी खबर, एक सेकंड। हरिद्वार से या हरिद्वार ग्रामीण से? हरिद्वार ग्रामीण से सर। अच्छा, हरिद्वार से तो सुभाष नाम आ रहा है कि कोई बड़े नेता की पुत्री चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वही चुनाव लड़ेंगी, पार्टी सर्वे करा रही है, जिसका रिकॉर्ड अच्छा होगा कुछ है जानकारी उसको टिकट मिले। कह रहे आवेदन में नाम है ना, आवेदन पर नाम नहीं बल्कि पिछले लंबे समय से वो कार्य भी वहां कर रहे थे। सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये कहा जा सकता है कि बड़े स्तर की नेताओं में गिनी जाती थी, हालांकि कोई बड़ा पद नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे जिले में उनकी हनक थी और बड़ा काम करते हुए नजर आती थी। जो उन्होंने कह दिया वो पूरे हरिद्वार में होता हुआ नजर आता था। अब वो चुनाव की तैयारी कर रही थी 2017 में, हालांकि उनको टिकट नहीं मिला क्योंकि वो उनके जो क्योंकि पिता जो थे वो चाहते नहीं थे कि वो चुनाव लड़े, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उम्मीद है कि शायद पिताजी चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े। अच्छा, वो देखिए मैं टिकट मांग रहा हूँ, फिर भी मैं टिकट मांग रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। राजीव भाई आप हो कार्यकर्ता, मैंने तभी कहा ना कार्यकर्ता और नेता में फर्क होता है। नेता आता है पैराशूट से और वो जो पैराशूट से आता है दिल्ली से तो वो डोई वाला उतरता है पैराशूट से, हो सकता है वो पैराशूट से लैंस डाउन भी उतर सकता है और ये भी हो सकता है कि वो सीधा पैराशूट से केदारनाथ उतर जाए। समझ रहे मेरी बात? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन हरिद्वार ग्रामीण में जो जिस प्रत्याशी की आप बात कर रहे हैं वो काफी लंबे समय से फील्ड में वहाँ काम कर रही है, अगर पार्टी उनको जिताऊ कैंडिडेट समझेगी तो उनको लड़ाएगी, मुझे समझेगी तो मुझे लड़ाएगी। यही बता रहा हूँ ये होता है पैराशूट। आप क्यों अन्यथा ले रहे हैं? मैं जानता हूँ आप ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले कार्यकर्ता है, मैं तभी तो कह रहा हूँ निष्ठावान कार्यकर्ता है आप लोग, जैसे विनोद मैडम है, जैसे अनिल भाई है, आप लोग कार्यकर्ता है, आप लोग नेता नहीं है। नेता और कार्यकर्ता में फर्क होता है। इस बार कार्यकर्ता फिर भी आपके साथ है। थैंक यू सो मच मैडम, आपका भी, अनिल जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। सुभाष मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए थे, ग्राउंड जीरो से बता रहे थे कि आखिरकार जमीनी हकीकत क्या है, किस तरह से कांग्रेस के घर में कोहराम मचा हुआ टिकटों को लेकर, रुद्रपुर से लेकर किच्छा भी घमासान बहुत है अभी, यानी कि पिक्चर बाकी है, क्योंकि कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद यह तय है कि घमासान होगा। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।